आप सभी का स्वागत है। जर्मनी वर्क वीज़ा हम किस तरीके से कर सकते हैं, अगर हम किसी कंसल्टेशन के थ्रू कराते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस रहता है, कितना खर्चा आता है और क्या इसे खुद किया जा सकता है, और अगर खुद किया जा सकता है खुद अपने घर बैठे तो उसका क्या प्रोसेस है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्योंकि आपने इस चैनल पर देखा होगा ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ की वर्क वीज़ा की डिटेल्स आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, आप कहीं पर भी जाना चाहते होंगे मिल जाएगी, लेकिन जर्मनी की ऐसी वर्क वीज़ा की डिटेल्स काफ़ी टाइम से रिफॉर्म हुई हैं। हमने 3 साल पहले जर्मनी के ऊपर इन्फॉर्मेशन अपलोड की थी, 2 साल पहले, तो 2 साल पहले और अभी के प्रोसेस में हमने रिफॉर्म नोटिस करे हैं। तो हमें लगता है 2023 में जर्मनी में जो रिफॉर्म आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रो इमिग्रेंट फ्रेंडली हैं, यानी गुड लेबर क्वालिटी या गुड वर्किंग क्लास। एक रेगुलर ब्लू कॉलर कैटेगरी के लिए एप्लीकेशंस थोड़ी सी कम हो सकती हैं, लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरीज यानी वाइट कॉलर या ब्राउन कॉलर में जाते हैं तो उसमें जर्मनी में अच्छे ऑप्शंस मिलने के आपको बहुत अच्छे चांसेस हैं। इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि जर्मनी जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और सबसे बड़ी इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि वो सबसे रिचेस्ट कंट्री है, देयर इज़ अ डिफरेंस। रिचेस्ट कंट्री मतलब जिसकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लोग जहाँ पर पैसा कमाते हैं, और सबसे बड़ी इकोनॉमी मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो एनुअल है, यानी सारे रिसिप्ट वगैरह सब मिला के जो प्रोडक्ट बनता है या जो फिगर बनती है वो सबसे ज़्यादा है। तो जीडीपी ज़्यादा होने के मतलब से ये नहीं कि वो देश रिच हो गया, जैसे जीडीपी चाइना की बहुत ज़्यादा है, इंडिया से 6 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चाइना जो है वो वेरी रिच है, नो। चाइना जो है एक अपर मिडल इनकम कंट्री है अभी भी, इंडिया जो है वो एक मिडिल इनकम कंट्री है, लोअर और मिडिल मतलब आप लगा लीजिए लोअर से बाहर आ चुका है, मिडिल में जस्ट एंटर हुआ है, और चाइना एक अपर मिडिल कंट्री से एग्जिट करके एक हाई इनकम कंट्री में आने वाले 5 सालों में पहुंच जाएगा। तो बट अभी भी वो रिचेस्ट कंट्री नहीं है। तो यूरोप में रिचेस्ट कंट्री की बात करें, जहाँ पे सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, जहाँ एक इमिग्रेंट हो या कोई भी लोकल बंदा सबसे ज़्यादा पैसा कमाता हो, वो तो रिमार्केबली आयरलैंड ने चमत्कार करके दिखाया है। आयरलैंड ने कुछ सालों में इतनी ज़बरदस्त एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है, वहाँ पे सभी की सैलरीज, यानी आप मान के चलिए स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे और नीदरलैंड्स बेल्जियम जैसे देशों का नाम लिया जाता था कि यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम है, लेकिन आयरलैंड ने सबको पीछे कर दिया है। इनफैक्ट एक आयरिश पर कैपिटा इनकम और स्विस पर कैपिटा इनकम में 30% तक का डिफरेंस आ चुका है, 20 से 30% तक का डिफरेंस आ चुका है, यानी अगर वहाँ पे बंदा 2000 कमा रहा है तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 3000 रुपये कमा रहा है, ये नौबत हो चुकी है। तो आयरलैंड ने तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है, बट अभी इस वीडियो में हम आयरलैंड की डिस्कशन नहीं कर रहे, बस मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे अच्छी सैलरीज हैं। जर्मनी की जीडीपी सबसे ज़्यादा है, यानी वहाँ की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जर्मनी में रिसेशन भी आता है तो इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। जर्मनी में कोरोना भी आया था तभी गवर्नमेंट ने वहाँ पे लोगों को सपोर्ट करा था और उनको हर मंथली अलाउंस दिए थे, उनके टैक्सेस के हिसाब से उनको अलाउंस भी दिए गए थे। तो जर्मनी हर एक का ड्रीम रहता है, हर एक को लगता है कि अगर मुझे कहीं से जर्नी स्टार्ट करनी है, मुझे वर्क वीज़ा कहीं का लेना है, तो क्यों ना मैं जर्मनी से स्टार्ट करूँ। तो जर्मनी का वर्क वीज़ा जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले तो कंसल्टेंट अपनी फीस रखेंगे, ये उनका पूरा राइट होता है, क्योंकि आके उनको भी पे करना होता है। वो लॉयर को हायर करते हैं, एक कंसल्टेंट को हायर करते हैं, एक जर्मन लाइसेंस कंसल्टेंट से भी डील होती है, डॉक्यूमेंटेशन में काम जाता है, उनका खुद का वर्किंग आवर्स लगता है, तो वो आपसे एक फ़ी चार्ज करते हैं। फ़ी कितनी होती है डिपेंड करता है, 50,000 से लेके 2 लाख तक की फीस कंसल्टेंट अपनी बीच में रखते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है केस टू केस या किस प्रोफाइल के हिसाब से वो काम करना जा रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, सारा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा आप जो लॉयर को हायर करते हैं या जो पूरे प्रोसेस को हायर करते हैं उसमें थोड़े से आपके और पैसे लगते हैं। अब इसका लमसम आइडिया तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ भी है, अगर आप जर्मन का किसी कंसल्टेंट के थ्रू काम कराते हैं तो 5 से 10 लाख के बीच में आपका खर्चा आ सकता है। वो डिपेंड करता है वो आपसे कितना चार्ज करते हैं, इसकी हम कोई भी गारंटी नहीं देते, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन रहता है किसी को पैसा देना है या नहीं देना है। जब आप ये प्रोसेस खुद करते हैं, यानी आप कहते हैं कि मैं खुद कर रहा हूँ, यानी ऑनलाइन आप जो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे होएगा, सारा कंप्यूटर बेस्ड प्रोसेस है, आपको एक कंप्यूटर चाहिए, एक इंटरनेट चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, टाइम लगेगा डेफिनेटली, बट आपको अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो की जो अभी हम आपको बताने वाले हैं तो उसके बाद आप ये खुद भी कर सकते हैं, और उसमें आपका खर्चा मुझे नहीं लगता कि सब कुछ मिला के भी 2 लाख से ऊपर जाएगा। ऑलराइट, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अब देखिए, जर्मनी का वर्क वीज़ा जब आप अप्लाई करेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी कोई ना कोई जर्मन लैंग्वेज में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, यानी बेसिक में बेसिक जर्मन में भी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। बहुत एक्सपर्ट आप, मैं नहीं कह रहा कि आप हो जाएं, बेसिक जर्मन आपको आनी चाहिए, हेलो हाउ आर यू व्हाट्स योर नेम टाइप की जो जर्मन होती है वो आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप जर्मन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते तो उस केस में फिर ऐसा नहीं है कि आपको जॉब्स नहीं मिल सकती, लेकिन वो ऑप्शंस स्क्वीज होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके को बेसिक जर्मन आती है तो वो ऑप्शंस आपके लिए और बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो बेसिक जर्मन यहाँ पे आपके लिए एसेट का काम करेगी। दूसरा, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
यानी कोई सीरियस ऑफेंस आपके ऊपर ना लगा हो, कहीं पर भी किसी भी तरीके से आपका पीसीसी में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो इसमें चाहिए होगा मैंडेटरी है। जर्मनी में काफ़ी सारी कैटेगरीज में मेडिकल की रिपोर्ट भी मांगी जाती है, वो आपको पैनल हॉस्पिटल से करानी होती है, वो जर्मन एम्बेसी के पैनल में होनी चाहिए, वहाँ से आपको एक रिपोर्ट देनी होती है, वो एक दिन में मिल जाती है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, और वो भी हर वैकेंसी या हर एप्लीकेशन के लिए मैंडेटरी नहीं है, कुछ एप्लीकेशन में मैंडेटरी है। इसके अलावा आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यूजुअली तो कहा जाता है कि हाई स्कूल पास आउट, मतलब थोड़ा कॉलेज डिग्री होनी चाहिए, यानी ट्वेल्थ इंडिया के हिसाब से बोला जाए, लेकिन पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री मस्ट है, होनी चाहिए। उसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम अगर आप शो कर सकते हैं तो एक एडिशनल एसेट हो जाता है। यानी टू समराइज, आपका मेडिकल क्लियर होना चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 3 साल का अगर आपने वर्क किया हुआ है तो और भी अच्छी बात है, और जर्मन आती है तो और भी अच्छी बात हो जाती है। यानी ये 5 फैक्टर्स अगर आप मीट कर लेते हैं तो 90% से ऊपर एप्लीकेशंस पे आप बाय डिफॉल्ट एलिजिबल हो जाते हैं, अगर एक्सपीरियंस मैच होता है तो, एजुकेशन मैच होता है तो। अगर मान लीजिए कोई पर्सन कहता है कि मैं कॉन्टिनेंटल शेफ़ हूँ, सपोज़ करें, मैं शेफ़ बार बार इसलिए आपको एग्जांपल देता हूँ क्योंकि शेफ़ की वैकेंसीज हैं वो रोटेट होती रहती हैं, आती रहती हैं। तो अगर कोई कॉन्टिनेंटल शेफ़ है तो कहता है कि मुझे खाना बनाना आता है, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, और तो वो अपनी लिस्टिंग जब करता है तो वहाँ पे 10 एप्लीकेशन है जिनको शेफ़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो 10 के 10 में एलिजिबल हो जाएगा अगर उसको 5 फैक्टर्स आते हैं, 5 फैक्टर्स उसके मीट होते हैं। अगर इसमें से 4 हैं तो हो सकता है कि वो 10 की जगह 8 में मीट हो, 3 है तो 8 की जगह 5 में मीट हो, 2 ही मीट हो रही है तो शायद 1 भी ना हो, राइट। तो इसका मतलब है कि वैकेंसीज़ के आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं और आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जॉब मिल गया तो फिर वीज़ा उसके बाद हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो नंबर 1 स्टार्ट हो करते हैं यहाँ पे, आपके पास जहाँ का भी एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस लेटर्स और उनके सैलरी स्लिप संभाल के रखने होंगे। आपको 6 महीने से 1 साल तक की अकाउंट स्टेटमेंट दिखानी पड़ सकती है, डिपेंड करता है आप किस प्रोफाइल पर सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो एक एडिशनल हेल्प हो जाती है, आप 1 से 3 साल तक की टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट है, अगेन वो डिपेंड करता है आप किस पोजीशन पे हायर हो रहे हैं, लेकिन 1 से 3 साल तक की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से है आपको होनी चाहिए। पीसीसी मैंडेटरी है, आपके पास पीसीसी होना चाहिए। काफ़ी कैटेगरीज में पीसीसी की अपोस्टुलेशन की रिक्वायरमेंट भी होती है, यानी आप अपने नियरेस्ट कोर्ट में जाकर उसकी अपोस्टुलेशन करवा सकते हैं, यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की एक तरह से स्टैंप लग जाती है जिसमें वो डिक्लेयर कर देते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट लेजिट हैं और सही हैं, आपने कोई काउंटरफीट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं करे हैं। ये कोई भी लॉयर करा सकता है, इसमें आप अगर हमारी भी हेल्प चाहते हैं तो हम भी आपके लिए भी यहाँ पे पोस्टुलेशन करा सकते हैं। इसके बाद आ जाती है कि आपका मेडिकल रिपोर्ट। अब मेडिकल रिपोर्ट पैनल हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए, आपके एरिया के कौन हॉस्पिटल पैनल में है कि नहीं जर्मनी में पता चल जाता है जब आप अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। जब आप सेलेक्ट होते हैं तभी कंपनी आपको बता देती है कि पैनल हॉस्पिटल कौन सा है, आप इस हॉस्पिटल में जाएं, या फिर आप सिंपल से जर्मन कॉन्सुलेट की वेबसाइट में जाकर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, जिस एजेंट से काम करा रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं अगर कोई एजेंट इन्वॉल्व है तो, खुद करना चाह रहे हैं तो जर्मन एम्बेसी में कॉल करके भी पता किया जा सकता है, उनको ईमेल करके भी ये चीज़ पूछी जा सकती है। थोड़ा सा उनका रिप्लाई आना मैं अश्योर नहीं करता कि एकदम से आ जाएगा, कई बार वो नहीं भी करते हैं, कई बार नहीं भी बताते हैं, बट एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपको एक वर्क परमिट चाहिए होता है। एक वर्क परमिट जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर के रूप में आता है वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पर जो फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जर्मनी की, जिसे FEA कहा जाता है या फिर जर्मन में AB कहते हैं उसे, इसकी प्रोनंसिएशन कुछ कुछ ऐसी है, बुंडेसागेंतुर फॉर अर्बाइट, कुछ ऐसी ऐसी प्रोनंसिएशन है, हम शॉर्ट में इसे फेडरल एजेंसी बोल देते हैं हम इमिग्रेशन वाले लोग। तो फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का आपके पास जो है अप्रूवल होना चाहिए वहाँ से। ये भी सभी एप्लीकेशंस पे नहीं है, हो सकता है कि आपकी कंपनी जिसने आपको हायर किया हो उनके पास बाय डिफॉल्ट इसका अप्रूवल हो, ये सब आपकी कंपनी जो आपको हायर कर रही है वो अरेंज करवाती है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है डॉक्यूमेंटेशन तो आप समझ गए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वो कंपनी अब हमें सेलेक्ट कैसे करेगी। आपकी स्क्रीन पे कुछ लिंक्स आ रहे होंगे, ये जैसे कि हमेशा की तरह मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कराता हूँ, बट अब इन लिंक्स में और इनके प्रोसेस में थोड़ा सा कैच है जो आपको समझना होगा। पहले तो सिंपल सा ही प्रोसेस है, आप प्रोफाइल बनाएंगे, एप्लीकेशन जहाँ जहाँ मैच हो रही है उसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू कॉल्स आपके पास आ सकते हैं। इंटरव्यू कॉल्स आपको आएंगी तो यहाँ पे वीडियो कॉल्स पे इंटरव्यू हुए ज़्यादातर होते हैं, ऑडियो कॉल्स पे नहीं। अगर आपने लास्ट टाइम हमसे स्पेन के लिए और हमने पोर्चुगल के लिए एक बार बात करी थी तो उसमें हमने बताया था कैसे वहाँ पे वीडियो और ऑडियो दोनों होते हैं। जर्मन में ऑडियो की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, ऑडियो इंटरव्यूज लाइक हार्डली 10-20% है, जबकि 80-90% जो इंटरव्यूज होते हैं वो वीडियो कॉल पे होते हैं। आपको वीडियो कॉल का इंटरव्यू क्रैक करना होगा, आपको लगातार अप्लाई करना होगा। देखिए जहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास एक कवर लेटर होना चाहिए और यूरोपियन स्टैंडर्ड से बना हुआ कवर लेटर प्लस और एक आपके पास बायोडाटा होना चाहिए, ताकि जहाँ जहाँ पे आप एलिजिबल हो पा रहे हैं वहाँ पे आप अप्लाई करें। फ्लडिंग ना करें, फ्लडिंग बहुत गलत होता है, फ्लडिंग इज़ अ सीरियस ऑफेंस, मैं अपनी तरफ से आपको बोलना चाहता हूँ। फ्लडिंग का मतलब हो गया कि आपने सारी वैकेंसीज में अप्लाई कर दिया बिन देखे कि आप एलिजिबल हो रहे हैं, एक्सपीरियंस मिल रहा है, एजुकेशन मिल रही है, नहीं हमें तो दिखी हमने अप्लाई कर दिया, दैट इज़ रॉन्ग। वो क्या होगा जहाँ पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ये जो लिंक्स मैंने आपको बताए भी एक तरह से ऑनलाइन कंसल्टेंट्स हैं, ये आपको ब्लॉक कर देंगे, ब्लैकलिस्ट कर देंगे, और जहाँ पर एक्चुअल में आपकी प्रोफाइल मैच भी कर रही होगी आपके लिए वो वैकेंसी भी नहीं,
रिफ़र की जाएगी। तो इसलिए फ्लडिंग से बचें, आप सिर्फ वहीं पे अप्लाई करें जहां पर आपकी प्रोफाइल मैच हो रही है। आप ट्रस्ट करें, जो लोग फ्लडिंग कर रहे हैं उनका काम नहीं बनने वाला। अगर कोई आपको कह रहा है तो मिसगाइड कर रहा है। आप फ्लडिंग कभी भी ना करें, सिर्फ जहां पर आप एलिजिबल हैं वहीं पे मैच करें। ये इंडिया नहीं है, यूरोप है। यूरोप में इस ऑर्गेनाइज सिस्टम से काम होता है तो अच्छा लगता है। उनको अनवांटेड प्रोफाइल्स को सीधा ब्लैकलिस्ट कर देंगे। कल को अगर आपको कोई चीज़ मैच भी करती हुई मिलेगी तो भी आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है। हम जब भी अपने कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड करते थे तो जैसे हमारे एजेंट्स होते हैं वो भी हमें एप्लीकेशन देते थे, क्लाइंट्स भी डायरेक्ट आते थे, तो हमारे वहाँ पे जो लॉयर हमें बताते थे कि पर्टिकुलर एक्स वाई जेड पासपोर्ट को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, हम भी हैरान हो जाते थे। हम उनसे पूछते थे कि आपने कभी अप्लाई किया था? हाँ जी, मैंने सो एंड सो ट्राई किया था, किसी ने बोला था ऐसे ऐसे करो तो मैंने हर जगह कर दिया था। तो पापड़ बेलने पड़ गए थे ऐसे केस में उनको हायर करवाने के लिए, कन्फर्म कराने के लिए। तो आप इन चीज़ों से बचें, इससे प्रोफाइल खराब होती है। सिर्फ एलिजिबिलिटी जहाँ पे हो रही है, हाँ छोटा मोटा चलता है। जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला 4 साल है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4 की जगह आपका 3.5 हो रहा है, चलेगा। 3 नहीं, 3.5, ठीक है। अगर वो कहते हैं 5 साल चाहिए, 4 हो रहा है, 4.5 हो रहा है, चल जाएगा। लेकिन वो 3 की गिनती में नहीं आना चाहिए उस केस में। ओके, यानी आसपास भी आप है ना, तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। लेकिन उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा, आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है, फ्रेशर हो, दैट इज़ रॉन्ग। या उन्होंने कॉन्टिनेंटल शेफ मांगा, आप तो सुशी करते हो, दैट इज़ रॉन्ग। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इट शुड मैच। ओके, तो इन प्रोफाइल्स पे जाके आपने सिंपली अप्लाई करना है, मैचिंग प्रोफाइल्स पे अप्लाई करना है, मैचिंग वैकेंसीज में अप्लाई करना है, उसके बाद इंटरव्यू क्रैक करना है। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आता है, वो बाय डिफॉल्ट एक तरह से वर्क परमिट का काम करता है। और उस अपॉइंटमेंट लेटर पे जो मैंने आपको बताया कि ये फेडरल एजेंसी का अप्रूवल होना चाहिए, अगर उनके पास कंपनी के पास ऑलरेडी अप्रूवल होगा तो ये बाय डिफॉल्ट अप्रूव्ड होगा, नहीं होगा तो आपको हो सकता है मैनुअली करना भी पड़े या फिर आपको किसी लॉयर को हायर करके यहाँ पे करना पड़े। ये थोड़ा टेक्निकल काम है। इस केस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर किसी ऑनलाइन कंपनी जो मैंने आपको रेफर करे हैं आप इनसे जाके करवाते हैं मान लीजिए, तो ये आपसे कुछ ना कुछ फी चार्ज करेंगे। इनको फीस देना ना देना, ध्यान से सुनिए, इनको फीस देना ना देना आपका पर्सनल डिसीजन है। मेरे इन लोगों के साथ कोई टाई अप नहीं है। ये सारी रेफरेंसेस हम सिर्फ इसलिए देते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो सभी कंसल्टेंट्स की सर्विसेज नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारी भी सर्विस फी होती है जब आप हमारे पास आते हैं, तो हर बार नहीं होता कि लोगों को लगता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है सर। तो ये वो रस्ते हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं कम से कम खर्च में, विदाउट टेकिंग एनी हेल्प ऑफ एनी कंसल्टेंट। तो ये होने के बाद जब आपके पास लेटर बन के आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर आ जाता है और आपके पास फेडरल एजेंसी का अप्रूवल भी आ जाता है, तो उसके बाद आपको सिर्फ इसमें अपना PCC मेडिकल वगैरह लगाना होगा। जो आपके एजुकेशन के एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स है वो सारे लगाने होंगे, जैसे मैंने बताया अकाउंट स्टेटमेंट ITR वो लगाना होगा, पासपोर्ट वगैरह लगाने होंगे, फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनको साथ में अटैच करना होगा। और ये फाइल कंप्लीट करके आपने VFS में अपॉइंटमेंट लेनी है और वहाँ पे जाके सबमिट कराना है, दैट्स इट। और इसके बाद रिजल्ट का वेट करना है, दैट्स ऑल। अगर आप ये खुद कर रहे हैं तो देखिए कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं है। आपको अगर आपके लक ने साथ दिया तो हो सकता है आपका काम 1-2 महीने में हो जाए, नहीं तो आपको 6 महीने भी लग सकते हैं। इस साल की शुरुआत है, इस चैनल के थ्रू मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि आप खुद भी कैसे कर सकते हैं या मिनिमम से मिनिमम खर्चे में कैसे कर सकते हैं। तो इस साल में शुरुआत है, इस साल में एक प्लेज लेते हैं कि हम एक सही तरीके से ही वीज़ा अप्लाई करेंगे पहली बात, सही तरीके से ही एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे दूसरी बात, और जहाँ पर हमारी प्रोफाइल मीट हो रही है वहाँ पर करेंगे तीसरी बात। दैट्स ऑल। आप ऐसी चीज़ें करें, 100% अपना डिवोशन दें, आई एम वेरी मच श्योर लक आपके फेवर में आएगा। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।